प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका तीसरा वीडियो आज आप देखने जा रहे हैं। इसमें आप जानेंगे दूसरे चौपाई एवं दोहा की व्याख्या। इससे पहले के दो भाग में आप इस पाठ का परिचय और पहले चौपाई एवं दोहा की व्याख्या जान चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीता का स्वयंवर हो रहा था और धनुष के टूटते ही वहाँ पर परशुराम आ जाते हैं और वो राम से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। राम उनसे कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपकी क्या आज्ञा है, आप क्यों नहीं कहते। इस पर परशुराम कहते हैं कि जिस किसी ने भी यह इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, बल्कि उसने मेरे साथ शत्रुता का काम किया है और इसीलिए वह मेरा शत्रु है। जिस किसी ने भी शिव का यह धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। उसे इस समाज से तुरंत अलग किया जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुकुल के केतु क्रोध से कांपने लगे और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो और इसीलिए तुम्हारे बोलने पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या यह धनु ही शंभु के इस धनुष के समान होगा? यह तो सारा संसार ही जानता है। इसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जाना का अर्थ है जानकारी होना, क्षति का अर्थ है क्षति, जून का अर्थ है पुराना, तोरे यानी तोड़ने से और भोरे यानी भ्रम से। तो लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, एक पुराने धनुष के टूटने से भला क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे आँखों के भ्रम से देखा था। यानी लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक से ही होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था और मुनि यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं है, इसीलिए आप बिना बात क्यों क्रोध कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। दोसु यानी कि दोष और रोसु यानी कि क्रोध। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप अकारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, चितई यानी कि देखकर और परसु का अर्थ तो आप जानते ही होंगे फरसा। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, और सठ का अर्थ होता है मूर्ख। तो परशुराम कहते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है। यानी यह लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना।
बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बधौ यानी कि वध करता हूँ, यानी बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने मुझे केवल एक मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ब्रह्मचारी यानी कि जो संयम नियम का पालन करने वाला होता है, और कोही का अर्थ तो आप जानते ही हैं क्रोधी। तो वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। परशुराम कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित यानी कि विश्व में विख्यात, क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही यानी कि दुश्मन या संहारक, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का संहार करने वाला हूँ। यानी परशुराम कहते हैं कि लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है, मैं तो तुम्हें बच्चा मानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमने मुझे नीरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल यानी भुजाओं के बल या बाहों के बल पर, भूप यानी राजा, विपुल यानी कई, और महिदेव यानी ब्राह्मण। तो वो कहते हैं कि मैंने इस संसार को अपनी भुजाओं के बल पर राजा विहीन कर दिया और कई बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, छेदन हारा यानी कि काटने वाला, तो मैं सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ। परसु बिलो कु महीप कुमारा, और लक्ष्मण को इंगित करते हुए कहते हैं कि हे महीप कुमार, हे राजपुत्र, मेरे फरसे की ओर देखो। यानी लक्ष्मण को इंगित करते हुए परशुराम कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देखो, इसने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। जनी का अर्थ है मत, महीस किशोर यानी राजा का पुत्र, गर्भन यानी कि गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी बच्चे, दलन यानी कुचलने वाला, मोरा यानी मेरा, अति यानी भयंकर। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महीस किशोर। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को किसी चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चे तक की हत्या कर देता है। यानी परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, हे राजपुत्र लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत ना बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे का विनाश कर देता है। इस अंश में दो व्यक्तियों का चरित्र मुख्य रूप से उभर कर सामने आता है, लक्ष्मण और परशुराम। तो लक्ष्मण में आपने देखा कि अभी तक जितने संवाद हुए हैं उसमें उनमें निर्भीकता है, व्यंग करने की क्षमता है और वाक्पटुता है। इसी तरह परशुराम में आपने देखा कि बड़बोलापन है, वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, क्रोधी हैं, क्रोध में बोलते हैं, और डींगे हाँकना यानी कि ऐसी बातें जो स्वाभाविक नहीं है उसके बारे में भी वो कहते हैं। इस चौपाई के काव्य सौंदर्य में आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हसी हमरे जून धनु काज करिए, सठ सुनेहि सुभाव, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूप और विपुल बार। तो इतनी जगहों पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द सामासिक भी हैं, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जैसे विश्व विदित, विश्व में विदित, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय का कुल, भुजबल, भुजा का बल, सहस बाहु भुज, सहस बाहु की भुजा, महीप कुमार, महीप का कुमार, महीस किशोर, महीस के किशोर। तो इस तरह यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। आशा है आपने इस दूसरे चौपाई और
और दोहे की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अपनी समझ का आकलन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ पर एक क्विज दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर देकर आप अपनी समझ का आकलन कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो देखने के लिए बाईं तरफ दिए हुए दो लिंक हैं, तो आप इसके पहले का दोनों भाग उन लिंक्स में देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए दाएं तरफ एक सब्सक्राइब बटन है जो कि इस चैनल का लोगो है, आप उसे टच करके इस लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।